आइए सुनते हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी सम्राट। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। सादिक साम्राज्य की प्रजा ने विद्रोह के नारे लगाते हुए अपने सम्राट का महल खेत लिया। सम्राट राजमहल की सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके एक हाथ में राजमुकुट था और दूसरे में राजदंड। सम्राट के आगमन से भीड़ में सन्नाटा छा गया। वो सबके सामने खड़े होकर बोला, मित्रों, जब हमारे बीच राजा प्रजा का संबंध समाप्त तो हो गया है, लो ये राज मुकुट और राजदंड हाजिर है। अब मैं तुम ही लोगों में से एक बनकर रहूंगा। मैं पहले मनुष्य हूं, पीछे कुछ और। मनुष्य होने के नाते मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर श्रम करूंगा, जिससे हम सभी का भाग्य और भी अच्छा बन सके। किसी शासक की जरूरत ही क्या है। चलो अब हम सब मिलकर अपने खेतों और द्राक्ष कुंजों में अपने हाथों से काम करें। अब मुझे कृपा कर एक खेत का द्राक्ष कुंज बता दो, जहां मैं काम कर सकूं। ये सुनकर सभी चकित और अस्तब्ध रह गए। जिस सम्राट से वे इतने असंतुष्ट थे, वही राजमुकुट और राजदंड छोड़कर उन्हीं में शामिल हो गया था। सभी अपनी अपनी राह लगे। सम्राट भी एक आदमी के साथ एक खेत की ओर चल दिया। ये तो हुआ, लेकिन शासक के अभाव में सादिक साम्राज्य की व्यवस्था भली प्रकार न चल सकी। असंतोष के बादल फिर मंडराने लगे। लोगों ने गली गली पुकारना शुरू किया, शासन के बिना काम नहीं चल सकता और उसके लिए हमें शासक चाहिए ही। तब बूढ़े और जवान सभी एक स्वर से बोल उठे, हम अपने सम्राट को गद्दी पर फिर आसीन करेंगे। अब सब मिलकर सम्राट के पास पहुंचे, जो एक खेत में काम कर रहा था। लोग उसे वापस लाए। दोबारा उसे सिंहासन पर बैठाया गया। फिर उसके शीश पर राज मुकुट पहनाया गया और उसके हाथ में राज दंड दिया गया। लोगों ने कहा, क्षमता और न्याय के साथ आप हम सब पर शासन कीजिए। सम्राट ने कहा, हां मैं पूरी क्षमता से शासन करूंगा और आकाश और पृथ्वी के देवताओं से मेरी प्रार्थना है कि वे मुझे न्यायपूर्वक शासन करने की योग्यता प्रदान करें। इसके बाद उसके सामने कुछ स्त्री पुरुष एक चाकरदार के दुर्व्यवहार की शिकायत लेकर आ पहुंचे। वो उन्हें क्रीतदास से अधिक नहीं समझता था। सम्राट ने तुरंत उस जागीरदार को बुलाया और उससे कहा, परमात्मा की न्याय तुला पर प्रत्येक मानव के जीवन का तोल बराबर है। तुम अपने खेतों और द्राक्ष कुंजों में काम करने वाले लोगों के जीवन का कुछ भी मोल नहीं समझते, इसलिए तुम्हें देश निकाले की आज्ञा दी जाती है। तुम्हें सदा के लिए इस राज्य की सीमा के बाहर जाना होगा। दूसरे दिन फिर कुछ लोगों की भीड़ पहाड़ी के पार रहने वाली एक रानी के अत्याचार की कहानी लेकर सम्राट के पास पहुंची। तुरंत ही रानी को दरबार में बुलाया गया। उसे देश निकाले का दंड देते हुए सम्राट ने कहा, हमारी अपेक्षा वे अधिक आदर के अधिकारी हैं, जो हमारे खेत जोतते बोते और हमारे द्राक्ष कुंजों को संभालते हैं। सचमुच वे महान हैं, क्योंकि हम उन्हीं की तैयार की हुई रोटियां खाते हैं और उन्हीं की तैयार की हुई मदिरा पीते हैं। तुम इस तथ्य को नहीं समझती, इस राज्य से निकल जाओ। तब कुछ और भी स्त्री पुरुष आए और बोले कि पादरी ने गिरजाघर बनवाने के लिए उन्हें पत्थर ढोने और गढ़ने के लिए मजबूर किया और मजदूरी के नाम पर अंगूठा दिखा दिया। यद्यपि ये सबको विदित था कि सोने चांदी से उसकी तिजोरी भरी हुई थी और उन बेचारों के भूख से पेट और पीठ
एक हो रहे थे। इस पर सम्राट ने पादरी को भी बुला भेजा। जब वो उपस्थित हुआ तो सम्राट ने कहा, तुमने जिस क्रॉस को अपने हृदय के समीप धारण कर रखा है वह है जीवन को जीवन देने का प्रतीक, लेकिन इसके विपरीत तुमने जीवन से जीवन का अपहरण किया और बदले में दिया कुछ भी नहीं। अतएव इस राज्य को छोड़ देना ही तुम्हारे लिए उचित है। मेरी आज्ञा है फिर कभी यहां वापस ना आना। इस प्रकार पूर्णिमा तक प्रतिदिन स्त्री पुरुष आ आकर सम्राट के सामने अपना दुखड़ा रोते रहे और एक पखवारे तक प्रतिदिन किसी ना किसी अन्याय को देश निकाले का दंड दिया जाता रहा। सादिकवासी आश्चर्यचकित हो गए और मन में बड़े ही प्रसन्न रहने लगे। एक दिन फिर बड़े बूढ़ों और नवयुवकों ने आकर राज्य प्रासाद को घेर लिया और फिर सम्राट को उपस्थित होने के लिए बाध्य किया। सम्राट पुनः एक हाथ में राज मुकुट और दूसरे हाथ में राज दंड लेकर आया। उसने उनसे पूछा, अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? जो जो वस्तुएं तुम्ही लोगों ने मुझे दी थीं, वही अब फिर तुम्हें वापस सौंपने मैं आ गया हूं। लेकिन लोग चिल्ला उठे, नहीं नहीं, आप तो न्यायपरायण सम्राट हैं। आपने जहरीले सांपों से इस राज्य को मुक्त कर दिया है, खूंखार भेड़ियों का नाम मिटा दिया है। आज तो हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के उद्देश्य से आए हैं। इस राज मुकुट की शोभा आपके मस्तक पर और इस राज दंड की शोभा आपके हाथ में रहने में ही है। सम्राट ने कहा, मैं नहीं, अपने सम्राट तो आप स्वयं हैं। जिस समय आप मुझे अयोग्य और निर्बल समझ रहे थे, वास्तव में उस समय आप स्वयं निर्बल और अयोग्य थे। अब जो राज्य का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, इसका कारण आपकी ही दृढ़ भावना है। मैं तो आप सबकी भावनाओं का प्रतीक मात्र हूं। मेरा अस्तित्व तो केवल आपके कार्यों में ही निहित है। संसार में शासक नाम की कोई वस्तु नहीं, स्वयं शासित ही अपना शासन करने वाले हैं। सम्राट ने मुकुट और दंड के सहित फिर अपने प्रासाद में प्रवेश किया और बड़े बूढ़ों और नवयुवकों ने अपना अपना रास्ता लिया। वे सभी संतुष्ट थे। उनमें से प्रत्येक समझता था मानो वो स्वयं सम्राट है और उसके एक हाथ में राजमुकुट और दूसरे में राजदंड है।